नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं श्रद्धालु जो कि अयोध्या पदयात्रा पर जा रहे हैं। आपको बता दें, भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां सभी में उत्साह है, तो कई श्रद्धालु पदयात्रा कर भी इस पुनीत कार में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। और हमारे साथ यह जो श्रद्धालु मौजूद हैं, यह पदयात्रा करके जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला के यह लोग हैं और आज छतरपुर से यह लोग निकल रहे हैं और यह लोग अयोध्या के लिए जा रहे हैं। हम सीधे उनसे बातचीत करेंगे कि कब वह निकले थे और क्या जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मानक। हाँ, पता आपका जानना चाहेंगे, पूरा पता। पता मानक, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश, तारीख तुरंत। कितनी तारीख को आप निकले? हम 8 तारीख को निकले थे। अब हम यहाँ से सीधे जा रहे हैं पहले इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद फिर जाएंगे अयोध्या। हाँ, रामलला के मंदिर में जो भगवान की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा होनी, तो विशेष उत्साह है भी। हाँ, हम वहीं जाएंगे और उनके दर्शन भी करेंगे जी। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम बबलू प्रसाद सेन। हाँ, मैं ग्राम काईटोन, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं यात्रा को निकला हूँ, 8 तारीख को निकला हूँ और सीधे डायरेक्ट झंडा चढ़ाने के लिए इलाहाबाद जाएंगे और झंडा इलाहाबाद चढ़ा के फिर अयोध्या को रवाना हो जाएंगे। तो फिर अयोध्या में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होंगे वहाँ? जी साहब, अयोध्या में 22 तारीख के बाद में ही जब भीड़ चढ़ जाएगी, इसके बाद में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। तो पहले पहुँच जाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे? नहीं, बाद में पहुँचेंगे। बाद में पहुँचेंगे। तो कितनी उत्साह खुशी है आप लोगों में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होनी? हम लोग 4 साल से हम यात्रा पद यात्रा करते हैं। पर साल भी हम लोग गए थे अयोध्या पैदल। हाँ, पर साल भी गए थे अयोध्या पैदल। आसो भी जाएंगे और झंडा चढ़ा के अयोध्या को रवाना हो जाएंगे। कितनी तारीख को निकले थे आप? 8 तारीख को निकले। आज कौन सा दिन है आपको? आज हमको 3रा दिन है। प्रेरणा कहाँ से आपको मिली और मिलती है ऐसी पद यात्रा करके? हमारे गाँव में हर समय हर साल की भांति हम लोग रोजाना प्रतिदिन सुबह से हम प्रभात फेरी का कार्यक्रम करते हैं। इसलिए हमारा नियम है कि हम अयोध्या जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, चित्रकूट भी फिर आए और ओरछा भी जाते हैं। हर जगह पैदल यात्रा में झंडा चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यह लोग बड़े ही उत्साह के साथ जा रहे हैं। हाँ, क्या कहेंगे? अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, आप लोग भी जा रहे हैं। प्रेम बोलो राघवेंद सरकार की जय। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। हम ललितपुर जिला के ग्राम कारी टोरन 8 तारीख को निकले। हम चित्रकूट होते हुए चित्रकूट से इलाहाबाद, इलाहाबाद से अयोध्या, अयोध्या राम लला के दर्शन ही करके लौटेंगे, चाहे कुछ भी हो जा, हमारा वादा है। प्रेम से बोलो राघवेंद सरकार की जय। हाँ, तो कितने लोगों की आपका ये जत्था जा रहा है? हम लोग 10 लोग हैं। हाँ, तो और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं हम। हाँ, क्या नाम है आपका? मूरा सिंह है। हाँ, तो क्या कितनी खुशी उत्साह है आप लोग अयोध्या जा रहे हैं पद यात्रा करके, क्या आप कहेंगे? बड़ा उत्साह है, भगवान की कृपा से अयोध्या जा रहे हैं, दर्शन पाएंगे। तो आप हमारे साथ जो श्रद्धालु मौजूद थे वह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिला के थे और अयोध्या वह भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि वह विशेष उत्साह के साथ ही पदयात्रा पर निकले हैं और भगवान के दर्शन करके ही वह वापस लौटेंगे। तो आपको हम बता दें कि जहां पूरे देश में विशेष रूप से उत्साह है भगवान की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, तो श्रद्धालु भी पदयात्रा कर भी बड़े ही उत्साह के साथ जा रहे हैं। और जो इनकी पदयात्रा है वह आज छतरपुर पहुंची है और इन्होंने जो बताया है कि 8 जनवरी से इनकी यह पदयात्रा निकली थी। पेपे टाइम के लिए संजय अवस्थी, छतरपुर।